नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुपर शेफ। आपका स्वागत करता हूं मेरी किचन में। और आज हम बनाएंगे आलू गोभी। आलू गोभी के लिए हमें दरकार होगी 250 ग्राम गोभी, 2 मीडियम साइज आलू, 1 प्याज मीडियम फाइन चॉप्ड, 1 टमाटो फाइन चॉप्ड, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मटर, हरा धनिया और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। चलिए मिलकर बनाते हैं आलू गोभी। आलू गोभी के लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और कढ़ाई में डाले हैं 3 बड़े चम्मच तेल और हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को तड़कने देंगे। जीरा हमारा तड़क गया है, अब हम डालेंगे इसमें प्याज और प्याज को 30-40 सेकंड के लिए हम लोग भुनेंगे। इस समय हम प्याज को पकाएंगे नहीं पूरी तरह से, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने का वेट करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम लोग 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट होममेड है, आप चाहे तो मेरे चैनल की पर इसकी वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 चम्मच जितना, ताकि हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट नीचे तले पे ना लगने पाए। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हमारी लाल मिर्च, ये टीस्पून है छोटी, थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ये देखिए गाइस, हमने जैसे मसाले डाले हैं तो उसको मसालों को जलने से बचने के लिए हमने इसमें 1 चम्मच पानी डाल दिया है। ये देखिए, इससे हम मसाले तली पर नहीं चिपकते हैं और हमारा मसाला अच्छे तरह से भूनता है। अब हम डालेंगे इस पॉइंट पर कटे हुए टमाटर और टमाटर के साथ में इसको गलने देंगे। मसालों को हमने एक स्टीम दे दिया है, अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे और 2-3 मिनट के बाद हम मिलते हैं। 2 मिनट के बाद में हम इसको ढक्कन उतार कर देखेंगे। अब इस पॉइंट पर डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि टमाटर अभी थोड़ा गला नहीं है हमारा और वो नीचे चिपक रहा है। इसके साथ ही हमने डाल दिए 2 हरी मिर्च फाइन कटी हुई, इसको मिलाएंगे। इसको फिर 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, स्टीम में पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं हमारे, अब हम देखते हैं। ये देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार है, ऑयल ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें अपने आलू और आलू को 2 मिनट के लिए इन मसालों के साथ पकाएंगे, ताकि इन मसालों का अर्क जो स्वाद है वो हमारे आलू में भी आ जाए। 2 मिनट करने के इस फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे हमारी गोभी और मटर। हमारे 3 मिनट हो गए हैं हमें सब्जी को, और आप देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा बनके तैयार है। आलू देखिए, आलू भी थोड़ा सा गलावट पर आ गए हैं। अब इस पॉइंट पर डालेंगे इसमें हम गोभी और मटर। मटर हमने डाल दिए हैं और अब हम डालेंगे गोभी और इसको एक मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें किचन किंग मसाला। किचन किंग से इसमें टेस्ट में एक इन्हेंस मिलता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको मिलाएंगे हम अच्छी तरह से सब्जी को हमारी, और अब इसको 3 मिनट से 3-4 मिनट इसको स्टीम में रखेंगे और उसके बाद में इसको ढक्कन उतार कर देखेंगे इसमें कितनी गलावट आ गई है। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी गोभी को देखते हैं। वाओ, कितना अच्छा लुक है, आप देखिए। अब इसको चलाएंगे हम थोड़ी देर, आलू को चेक करेंगे। ये देखिए आलू हमारे गल गए हैं। अब इसको 5 मिनट और दोबारा इसको स्लो हीट पर स्टीमर पकने देंगे।
स्लो हीट पे ही रखना है। देखिए आलू हमारे बिल्कुल गल गए हैं, बस हमें गोभी को थोड़ा सा और गलाना है। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको ढक्कन को उठाते हैं। ये देखिए अब हम गोभी को देखेंगे कि गोभी हमारी कितनी गल गई है। आप देख सकते हैं गोभी भी हमारी गल गई है। इस पर हम लोग इसमें डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला और फ्लेम कर देंगे ऑफ, और उसी फ्लेम ऑफ में इसको 5 मिनट स्टीम में रहने देंगे। इसमें डाल रहे हैं हम लोग होममेड गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। बस इसको एक बार स्टीर करेंगे, हल्का सा स्टीर करने के बाद में इसको इसी एरोमेटिक में इसको हम छोड़ देंगे। इसको गरम मसाले का अरोमा बरकरार रखने के लिए अब हम इसको ढक देंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसमें अपना गरम मसाला, होममेड गरम मसाला और धनिया डाल के इसको 5 मिनट स्टीम में रहने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, गरम मसाले का अरोमा इस सब्जी के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए अब हम फाइनल प्लेटिंग पे मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार है। आप देखिए इसके रंग देखिए, इसका लुक देखिए कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।